नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इस समय हूँ उच्च न्यायालय इलाहाबाद। अभी अभी हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकले हैं, जहां पर आज डॉक्टर काफिल खान जी की सुनवाई होनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना के पेशेंट हाईकोर्ट में मिलने की वजह से आज उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। पूरे उच्च न्यायालय को सैनिटाइज किया जा रहा है और आज भी डॉक्टर काफिल जी की जो सुनवाई है उसको टाल दी गई है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मुंबई से आने के बाद जिस तरह से हम लोगों ने यहां पे तैयारियां की हैं, जो लीगल रेमेडीज हैं उसकी केस से जुड़ी हुई, उसके लिए जो मुझे जरूरत थी या जिसकी खोज में मैं आया था, वो पूरी हो गई है। और मैं निवेदन करता हूं आप तमाम लोगों से कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही हमें अगली तारीख मिल जाएगी इस केस में। मेरे साथ में यहां पे मीडिया टीम है, बंधु भाई बैठे हुए हैं जो नोएडा से आके यहां पे इस चीज को कवर करने के लिए बेचारे पूरी रात ट्रेवल करके आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं सोशल मीडिया पे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस मामले में आवाज उठाई, और आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरी लीगल टीम ने यहां पे तैयारियां की हैं, अब ज्यादा दिन नहीं है कि डॉक्टर काफिल खान जी को जेल रहना पड़े। ये दुर्भाग्यवश है और इस महामारी के अंदर इस तरह की चीजें हो रही हैं कि तारीख चल नहीं पा रही है, कोर्ट चल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि बहुत जल्द हमने यहां के न्यायमूर्ति से निवेदन किया है, लिखित तौर पे उनको पत्र दिया है कि कृपया करके अगली जो तारीख हो वो जल्द से जल्द दी जाए, उसे लटकाया ना जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जैसे ही कोर्ट का हमें सुनिश्चित करता है कि लोगों के लिए या जज या स्टाफ के लिए सुरक्षित है, हम कोर्ट चलाएंगे और इसके बाद जैसे भी जो भी नजदीकी तारीख होगी कोर्ट से, हम वो उपलब्ध की जाएगी। हमने आशा की है कि 17 तारीख या 20 तारीख के बीच में, 17 या 21 तारीख तक के बीच में हमें तारीख मिलेगी डॉक्टर काफिल की, और उम्मीद की जा रही है कि जब भी अगली तारीख मिलेगी हम तैयार हैं अपनी तरफ से डॉक्टर काफिल खान को बाहर लाने के लिए। उनके लिए जो भी कानूनी रेमेडीज हैं, जो कानूनी दवाइयां हैं जो इस केस में मदद करेगी, उसकी हमने पूरी तैयारी की है। और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे यहां के तमाम सहयोगियों का, तमाम उन लोगों का जिन्होंने इस केस में जमीनी स्तर पर यहां पे कानूनी जो बाधाएं थी उसे दूर करने के लिए कोशिश की है। मैं अभी ऑन द वे हूं अगले मेरे दौरे के लिए, और बहुत दुख लग रहा है कि इतना दूर आने के बाद भी और ये सारी चीजें हुई, आज पॉजिटिवली क्लोज नहीं कर पाए हम लोग। लेकिन दुर्भाग्यवश है, इसमें किसी का वश नहीं है कि कोरोना जैसी महामारी के अंदर वैसे भी कोर्ट बहुत रेयर चल रही है, बहुत कम चल रही है, एक दबाव है बीमारी का भी और केसेस का भी, जिसको देखते हुए हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि लगातार सोशल मीडिया पे ऐसे ही तहलका मचाते रहें। डॉक्टर काफिल खान अपनी बच्ची के साथ बहुत जल्द वो तस्वीर सोशल मीडिया से शेयर होनी चाहिए, उस सब के लिए हमें आप लोगों से सब लोग मिलकर मेहनत करें। मैं निवेदन करता हूं जिस तरह से माहौल चल रहा है, लगातार ट्रेंड होते रहें #FreeDrKafil, ये दबा के चलाएं और उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमारी आवाज बुलंद करें। मैं इलाहाबाद में हूं और तब तक रहूंगा जब तक डॉक्टर काफिल खान का रिहाई के आदेश इस कोर्ट से न ले लूं। तो कृपया सभी लोग इसी तरह साथ बनाए रहें, मैं लगा हुआ हूं जमीनी स्तर पे, आप लोग सोशल मीडिया पे जितना हो सकता है मदद करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।